चलो आज एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल देखते, केवल प्योर एनसीईआरटी न्यूमेरिकल और कुछ नहीं। थ्योरी हमारी हो गई थी कंप्लीट, आज लेक्चर नंबर 4 तक दिया था मैंने, थ्योरी हो गई थी। आज के चैप्टर में सारे उदाहरण वाले करा देंगे, अभ्यास प्रश्न में जो प्रश्न है अगले वीडियो में करा देंगे। तो दो वीडियो में सवाल कोशिश करेंगे खत्म हो जाएंगे, अगर बचते हैं ज़्यादा होते हैं तो 3 वीडियो में ख़त्म कर देंगे। तो पहला न्यूमेरिकल आ जाता है, पहला आता है कह रहा है यदि किसी विद्युत बल्ब के, बोल रहा है क्वेश्चन नंबर, यदि नहीं आ रहा राइट, यदि दिख रहा आप, यदि दिख रहा ना सबको, यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु, विद्युत बल्ब का तंतु आधार, विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है जो जला करता है, वो तंतु का प्रतिरोध, सही कर दो कैमरा, प्रतिरोध सही कर दो कैमरा, हिला आगे पीछे थोड़ा करके, प्रतिरोध कितने सौ वोल्ट है, 1200 ओम है, 1200 ओम है, हाँ सही हो गए, गड़बड़ है वो, खराब है, यूनिट ना लिखे ना, इसको मिटा देते। यहाँ पे प्रतिरोध लिखा है, तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है, 1200 ओम है, तो यह बल्ब 220 वोल्ट स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगा, कितनी विद्युत धारा लेगा, कितनी विद्युत धारा लेगा, अब सही है दिख रहा, कितनी धारा लेगा, इसमें एक क्वेश्चन और ए नंबर क्वेश्चन, इसमें एक बी नंबर क्वेश्चन बोल रहा है यदि किसी हीटर, यदि चलो इसको ही करा लेते पहले फिर उसको कराते हैं। तो हमें दिया गया है हमें क्या दिया गया बाबू, वोल्ट कितना है, विभवांतर कितना है, 220 वोल्ट और प्रतिरोध कितना है, R बराबर कितना है, 1200 ओम। क्या करते हैं धारा, I का मान, I बराबर क्या जानते हैं, हम जानते नहीं, V बराबर आई आर जानते हैं ना, V बराबर आई आर होता है, तो I बराबर क्या हो जाएगा, V अपान R, तो V कितना है 220 वोल्ट और R कितना है 1200। एक जीरो जीरो उड़ा, 22/120, 11/60। अब इसको एम्पियर में बदल लो, जब एम्पियर में आप बदलेंगे तो 0.18 एम्पियर आ जाएगा, धारा का मान आ गया। चलो अगला देख लेते हैं, हम बी नंबर क्या बोल रहा है, आ गई बात समझ में, 220 धारा दिया था, ओम का प्रतिरोध का नाम दिया था, आय का मान निकालना है तो निकाल लिया ओम का नियम से। अगला बोल रहा है यदि किसी विद्युत हीटर को हीटर की कुंडली
का प्रतिरोध, का प्रतिरोध, का प्रतिरोध सौ ओम है, सौ ओम है तो, है तो यह विद्युत हीटर, तो यह विद्युत हीटर 220 वोल्ट में कितनी धारा लेगा, कितनी धारा लेगा। अब मालूम है, सब जाहिर सी बात हो गई, R बराबर 100 ओम दिया हुआ है, V बराबर दिया हुआ 220 वोल्ट, बस I का मान फिर निकालना है V बटे R। V कितना है 220, R कितना है 100, 0 0 उड़ा, 2.2 एम्पियर, बात ख़त्म। अब कर देंगे 22 बटे 10, एक जीरो है नीचे, देखें बाद एक अंक बाद दशमलव लग जाएगा, बात ख़त्म, मिटा दे। एक एक नंबर वाले सवाल हैं, एक एक नंबर, दो दो नंबर वाले। अगला क्वेश्चन है, जब कोई विद्युत कह रहा है, जब कोई विद्युत हीटर विद्युत स्रोत से 4 एम्पियर की धारा लेता है, 4 एम्पियर की धारा, विद्युत हीटर है किसी स्रोत से, अब कहीं से भी लेता होगा, वो कितना लेता है, विद्युत हीटर लेता है 4 एम्पियर की धारा, यानी कि आई का मान दिया हो कितना, 4 एम्पियर। और साल कर बता रहा हूँ मैं, आप उदाहरण नंबर, एनसीईआरटी का उदाहरण नंबर 12.4 है, एनसीईआरटी का उदाहरण नंबर 12.4 है, आप बुक होगी तो देख सकते हैं। लेता है तथा उसके टर्मिनल के बीच विभवांतर, टर्मिनल के बीच विभवांतर कितना है, 60 वोल्ट है, कितना है बाबू, 60 वोल्ट है। उस समय विद्युत हीटर कितनी धारा लेना, जब विभवांतर को 200 कितना कर दिया जाए, 220 बढ़ा दिया जाए। अभी कितना है, जब धारा ले रहा है इतना ले रहा, तो विभवांतर कितना है, इतना है। आ गई बात समझ में, जब इसको बढ़ा दिया जाए, क्या कर दिया जाए, विभवांतर को बढ़ा दिया जाए, तो बढ़ा दिया जाए तो कितना विभवांतर कर दिया जाए, बढ़ाकर वी कर दिया जाए 120 वोल्ट। 120 तो धारा का मान क्या होगा, यहाँ पे यहाँ से प्रतिरोध निकाल लें हम, इन दोनों वैल्यू से प्रतिरोध निकाल लें, क्योंकि प्रतिरोध का मान तो वही होगा, प्रतिरोध तो बदलता नहीं है भाई, टर्मिनल वगैरह सब कुछ तो वही है, विद्युत स्रोत हीटर भी वही है, तो उसका प्रतिरोध तो वही होगा, वोल्टेज बढ़ाओगे तो धारा का मान भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो निकाल लिया जाए, यहाँ से R का मान निकाल लेते हैं, V बराबर I R से, R निकालेंगे तो क्या होगा, V बटे I हो जाएगा, तो V कितना है, 60, ये 4, तो 4, 4 से 1 के 4, और 4 पंचे 15 चौको 60, ओमाज 15 ओम आ जाएगा R बराबर। अब प्रतिरोध तो वही रहेगा, तो यानी R बराबर इतना दिया हुआ है, तो I बराबर निकाल लेंगे हम, I बराबर क्या हो जाएगा, I बराबर हम तुमको बताए हैं, I बराबर क्या हो जाता है, V अपान R हो जाता है, तो V कितना है, 120 हो जाएगा, और ये 15 हो जाएगा, ठीक। तो कितनी बार चला जाएगा, 15 पर टेबल पर तो कितनी बार जाएगा, 8 बार, तो 8 एम्पियर आ जाएगा लगभग, ठीक, 8 एम्पियर आ जाएगा, बात ख़त्म, हो गया सवाल। यानी कि जब धारा इतनी बह रही थी, वोल्ट विभवांतर इतना टर्मिनल के बीच, तो वहाँ पे प्रतिरोध इतना काम करे, जब विभवांतर को बढ़ाकर विभवांतर 120 कर दिया गया, तो धारा कितनी लेगा, 8 एम्पियर लेगा। चलो अगला उदाहरण देखते हैं। आधा घंटा खोजे बताओ भैया, ठीक। अगला क्वेश्चन, किसी बोल रहा है, किसी धातु के एक मीटर लंबे तार का 20 डिग्री सेल्सियस पर विद्युत प्रतिरोध पर विद्युत प्रतिरोध कितना है बाबू, 26 ओम है। यदि तार का व्यास, यदि
तार का व्यास, तार का व्यास कितना हो जाता है? 0.3 mm, 0.3 mm है। तो इस ताप पर हो, तो इस ताप पर, इस ताप पर धातु की वैद्युत प्रतिरोधकता, वैद्युत प्रतिरोधकता क्या है? प्रतिरोधकता क्या है? क्वेश्चन मार्क लगाओ, क्या है? ठीक है, कह रहा सारणी को उपयोग करके पदार्थ की भविष्यवाणी करनी, हम कर देंगे भविष्यवाणी। तो आप जानते हैं R बराबर रो अपान L अपान A, वैद्युत प्रतिरोधकता यहाँ पे रो है, रो बराबर R A अपान L, आ गई बात समझ में, अपान L। ठीक, यहाँ पे व्यास दिया हुआ है, यहाँ पे दिया गया है, क्या क्या दिया गया है? लंबाई दी हुई है 1 मीटर तार की, तार से कोई मतलब नहीं है। आर दिया गया है 26 एम्पियर और डी दिया गवा है इतना एमएम, इतने एमएम दिया गया है ना बाबू, इसको मीटर बदलोगे तो कितने से गुणा, इसको मीटर में बदलोगे तो पहली बात 10^-4 से गुणा हो जाएगा, भागा लगाओगे ना, भागा लगाओगे 3 इतने मीटर हो जाएगा, 3×10^-4 मीटर हो जाएगा। ठीक, आ गई बात समझ में, 100 से भागा लगाओ सेंटीमीटर, 10^ कितने से, 5 से 6, आ गई बात समझ में, मीटर बदलने के लिए इतना लग जाएगा, 3×10^-4 माइनस है यहाँ पे, याद रखना। ठीक, अब जैसे इसको बदलना है और बाकी 4 0 और, आ गई बात समझ में, ये जाएंगे ऊपर 0.0, अब यहाँ पे ये क्या है मीटर में, 0.3×10^-5 है, अब 3 लिखेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, 3×10^-4 मीटर, 1 दशमलव उधर खिसक जाएगा तो 0.5 उधर और घट जाए, आगे बात समझ में। अगर हम इसको, ये व्यास है यहाँ पे, हमको मालूम है डी बराबर 2R होता है, डी बराबर 2 त्रिज्या की दुगुना होता है व्यास, त्रिज्या का दुगुना होता है व्यास, तो ये 2R की वैल्यू दी हुई है, क्या दी हुई है, 2R की वैल्यू दी है, यानी कि ये 2R की वैल्यू दी हुई है। ठीक बाबू, ये 2R की वैल्यू है। तो यहाँ पे देखो, अब किसी, यहाँ पे जो तार होता है, जो चालक तार होता है, उसका एरिया जो ले गोलाकार ही होता है, ये गोलाकार ही होता है, यानी गोले का क्षेत्रफल, ए बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, आ गई बात समझ, क्या होता है पाई आर स्क्वायर, हमें रो बराबर निकालना है तो आर तो ठीक है, इसकी दर पर क्या रख देंगे, पाई आर स्क्वायर रख देंगे एल के जगह पे एल, अब लेकिन हमें आर का स्क्वायर, आर की वैल्यू नहीं दी हुई है, 2R की वैल्यू दी हुई है, तो यहाँ से दो से ऊपर नीचे क्या कर देंगे, हम गुणा कर देंगे, दो से ऊपर नीचे गुणा कर दे तो आसानी से हो जाएगा, क्या कर दे बाबू, हम दो से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, या फिर हम d बराबर 2R, एक ही R दिया हुआ है, और यहाँ पे हम क्या करें, हम R की जगह लिखना चाहे तो d/2 हो जाएगा ना, d/2, R की जगह लिखना चाहे तो d/2 हो जाएगा, बात को समझो,
आर की जगह अगर हम लिखना चाहें तो डी बाई टू लिखेंगे, अर्थात इसमें दो का भागा लगाएंगे। चलो ऐसे ही कर लेते, कोई दिक्कत नहीं, तब भी मान आ जाएगा। तो यहाँ पे रो बराबर आर के जगह पे 26, पाई के जगह पे पाई, आर के स्क्वायर की वजह क्या हो जाएगा, डी अपान टू, आर जगह क्या हो जाएगा, डी अपान टू का स्क्वायर, और नीचे एल, डी के वैल्यू रख दो 26, पाई की वैल्यू 22 बटे, पाई की वैल्यू पाई में ही रहने दो, क्योंकि आंसर जो आता होगा पाई में ही आता होगा। हाँ, आंसर जो आता होगा पाई में ही आता होगा, नहीं पाई में नहीं आ रहा है तो हम रख ही लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है बाबू, रख लेते हैं। पाई की वैल्यू 22 बटे 7 और इसका स्क्वायर इतने का, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ये 4 जो ऊपर है पलट जाता है, नहीं तो आपके नहीं समझ में आता तो हम पलटते हैं। 3×10⁻⁴ बटे 2 का स्क्वायर, और नीचे क्या है, 1, 1 लिखो नीचे, चाहे तो ना लिखो, 1 मीटर है तो 1 मीटर। आ गई बात समझ में, इतना देखो इतना आ गया समझ में। तो आगे रो बराबर 26×22⁷×3²⁹ और 2² 4 और 10⁴ का 3 बार गुणा करेंगे, क्योंकि इतने का पावर 2 हो तो मतलब 2 बार गुणा करेंगे, 3² 9 हो जाएगा, 3³ 9, 10⁻⁻⁴×⁻⁴ आधार बराबर तो घाते जुड़ जाएंगे, तो 10⁻⁸ हो जाएगा, 10⁻⁸ हो जाएगा। आप काटी पीटे कर लो, जो भी काटी पीटा करोगे तो बाबू आंसर आएगा आपका, आप काटी पीटी कर सकते हैं। तो रो बराबर जो आता है आंसर जो आता है 1.84 आता है, 1.84 10⁻⁶ आ जाएगा, यहाँ पे दशमलव इधर उधर करेंगे तो ठीक। इतने ओम, इतने मात्रक क्या होता है, ओम मीटर, मात्रक क्या होता है, ओम मीटर। ठीक, तो प्रतिरोधकता के मान यही है इसके, अच्छा यानी कि विद्युत 20 डिग्री सेल्सियस प्रतिरोधकता का मान यही होगा। अब जो सारणी देख के भविष्यवाणी करनी थी, ये मान कहाँ पे दिया हुआ है, ये मान बाबू दिया है 1.84, ये मैग्नीज का मान यही है, तो यानी कि इस मैग्नीज का मान भी यही होता है, यानी कि ये किसका मान है, मैग्नीज का मान भी यही है। सारणी 12 में हम देखते हैं कि मैग्नीज की विद्युत प्रतिरोधकता का मान यही है जो इतना आ रहा है, आशा करते सवाल समझ में आ गया होगा। चलो मिटा देते हैं, ना चैन से चीने देखी, ना चैन से देखे, बस एक सवाल और फिर खत्म करते हैं। यार किसी दिए गए तार की लंबाई, दिए गए पदार्थ, दिए गए पदार्थ के किसी तार, किसी तार की धातु को, किसी किसी एल लंबाई, यार एल लंबाई, एल लंबाई तथा तथा ए मोटाई, लंबाई ए है, मोटाई ए है, लंबाई ए है, मोटाई ए के तार का प्रतिरोध, के तार का प्रतिरोध, प्रतिरोध 4 ओम है, 4 ओम है। ठीक, इसी पदार्थ के, पदार्थ यही है, इसी पदार्थ के किसी पदार्थ यही है अन्य तार का प्रतिरोध, अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा, क्या होगा जिसकी लंबाई,
जिसकी लंबाई एल बाई टू मतलब लंबाई आधी लंबाई तथा मोटाई क्या हो गई 2a बटाई 2a है। कोई चालक तार था, कोई तार दिए गए तो उसकी लंबाई l थी अगर और मोटाई a थी तो प्रतिरोध 4 ओम था। यदि इसी पदार्थ वही है कोई अन्य तार उसी पदार्थ का मतलब एल्युमिनियम का तार था, एल्युमिनियम का ही तार था। अब एल्युमिनियम को कोई अन्य तार है जिसकी लंबाई क्या हो गई आधी हो गई, मतलब लंबाई आधी हो गई ये हाफ हो गई और क्षेत्रफल ए क्या मोटाई क्या हो गई 2a हो गई, तो इसके प्रतिरोध क्या होगा इसके लिए अब तो निकालना है। तो प्रतिरोध निकालना है तो प्रथम तार के लिए R1 प्रतिरोध क्या होगा, प्रतिरोध ये होता है R1 दिया हुआ है कितना है प्रतिरोध दिया हुआ है यही तो होता है, लंबाई L थी मोटाई A थी तो R1 दिया हुआ है 4 ओम, कितना दिया हुआ है 4 ओम यही तो दिया हुआ है, R1 ही तो 4 ओम दिया हुआ है। या फिर इसके दर पर ये लिख सकते हैं R1 बराबर 4 ओम तो इतना बराबर इतना दोनों चीज़ें कह सकते हैं, मतलब इतना बराबर 4 ओम R1 बराबर इतना इतना। तो दूसरे तार के लिए द्वितीय तार के लिए क्या होगा R2 क्या होगा बाबू रो अपान L बटे ए यही होगा, लेकिन लंबाई वहाँ पर क्या हो गई L के जगह क्या हो गई आधी हो गई, ये आधी हो गई लंबाई ये दुगना हो गई तो इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं रो पलट जाएगा L बाई टू ये वन ये टू ए तो ये क्या हो जाएगा रो अपान L बटे फोर ए ये टू टू फोर ए फोर ए आर टू तो आर टू बराबर इसको देखो इसको 1/4 इंटू रो अपान एल बाई ए लिख सकते हैं, इसको 1/4 अलग कर सकते हैं उसको ऐसे लिख सकते हैं। अब इतने की जगह पर देखो इतने की जगह पर ये फोर इतने की जगह फोर ओम लिख सकते हैं 4 ओम तो आर टू बराबर 1/4 इतने की जगह क्या लिख सकते हैं 4 ओम तो 4 से 4 कट गया तो आर टू बराबर कितना आया 1 ओम हो गया। तो आज इतने ही सवाल लगते हैं, आशा करते सवाल ना गो देख लीजिए आप अच्छे से कोई दिक्कत नहीं, तो आगे एक सवाल कल कर लेंगे। थैंक्स अ लॉट, मिलते हैं अगले वीडियो में। ख़त्म कर दियो यार।